साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जाना, बस हमारी नगरी सुंदर मुख दिखला है, कदिया मिल सांवल यार वे तेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सांवल आस न पास वे उजे मिलना चार कहार वे। एक इवेंट पे मैंने उनका गाना उनके सामने गाया था, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि आपने मुझसे भी अच्छा गाया। शायद ये उनका बड़ापन था, लेकिन इस तरह का उनसे ताल्लुक़ था, मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूँ। जब मैंने उनकी सोशल मीडिया पे वीडियो देखी ना कि वो इमदाद के लिए कह रहे थे, बहुत तकलीफ़ से लम्हा था। तो यहाँ पर मैं काम करता था और अपनी दिहाड़ी में से कुछ पैसे जो है मैं ट्रांसफ़र कर दिया करता था उनके अकाउंट डेली बेस पे। मैंने तो ये भी कहा था कि मैं अपना गुर्दा दे देता हूँ। शहरियार भाई, आपने सर पर काली पट्टी क्यों बांधी हुई है और आपने यहाँ पे असद भाई की तस्वीर क्यों लगाई हुई है पीछे? काली पट्टी जो है ये काला रंग शोक का रंग होता है, और मैंने ये ऐद किया था कि मैं 3 दिन तक जो है ये काला कपड़ा अपने जिस्म के साथ मतलब लगा के रखूंगा शोक के लिए। मैं लज पाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रेंदे, मैं लज पाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रेंदे। जब से ये यहाँ हमारे पास आए हैं असद अब्बास भाई के जो गाने जो हैं वो गुन गाता रहता था, जब भी ये आता अपने उस्ताद के सामने बैठा होता है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं RP प्रोडक्शन। आज से मौजूद हूँ असद अब्बास साहब के एक ऐसे शगिर्द के साथ जिनके लिए असद भाई खुद खड़े हुए थे और इनको गले से लगाया था। नो डाउट असद भाई के लाखों करोड़ों पुरस्कार हैं इस दुनिया में, लेकिन असद भाई खुद इनके पुरस्कार थे, क्योंकि असद भाई ने जब इनकी आवाज़ सुनी तो वो इतने इनके फ़ैन हो गए। तो उन्होंने कहा कि इनका नाम है शहरयार, तो उन्होंने कहा था शहरयार तुमने तो मुझसे भी अच्छी आवाज़ में मेरा गाना गुनगुनाया है। तो ये असद भाई को अपना रूहानी उस्ताद समझते हैं, उस्ताद से ज़्यादा इन्होंने भाई समझते हैं, और बाकायदा इन्होंने इनको अपनी किडनी देने तक की ऑफ़र दे दी थी, लेकिन जो है ब्लड रिलेशन की वजह से ये ना दे सके। और इनसे अब गुफ्तगू करते हैं कि जनाब अब इनके उस्ताद इस दुनिया में नहीं रहे, तो ये कैसा महसूस कर रहे हैं और असद भाई को ये कितना मिस कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शहरयार ये बताओ कि आपका सबसे पहले असद भाई के साथ कैसा ताल्लुक था और असद भाई कितना प्यार करते थे आपके साथ? मेरा उनसे उस्तादी शिगिरदी वाला भी ताल्लुक था, लेकिन इससे बढ़ के भाइयों की तरह था, बहुत प्यार करते थे मुझसे ना। एक इवेंट पे मैंने उनका गाना उनके सामने गाया था, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि आपने मुझसे भी अच्छा गाया। शायद ये उनका बड़ापन था, लेकिन इस तरह का उनसे ताल्लुक था, मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूँ। अच्छा, शहरयार भाई क्या कहा असद भाई ने और वो आपके लिए कैसा खूबसूरत पल था जब उन्होंने आपकी तारीफ़ की? असद भाई बहुत बड़े मतलब फ़नकार थे, और मैंने जब उनका गाना उनके सामने गाया तो उन्होंने कहा कि आपने छोड़ना नहीं है, इसी तरह मेहनत करते रहें और इंशाल्लाह आप भी जो हैं एक बहुत बड़े स्टार बनेंगे। अच्छा शहरयार भाई, कैसा लगा आपको कि एक वक्त था जब आपने अपने उस्ताद अपने भाई असद अब्बास साहब का अरूज का वक्त देखा था, कि जब वो मर्सिडीज़ गाड़ी में घूमते थे, लाहौर में DHA में उनका घर था, और एक वो वक्त आया कि जब उनके हालात इतने ख़राब हो गए कि उन्होंने अपने चाहने वालों से 10-10 रुपये 20-20 रुपये की हेल्प के लिए आवाज़ उठा ली, तो उस वक्त आपके क्या मंजर थे, आपके दिल में क्या बीत रही थी? जब मैंने उनकी सोशल मीडिया पर वीडियो देखी थी कि वो इमदाद मांग रहे हैं लोगों से अपनी बीमारी के लिए, तब बहुत तकलीफ़ दे लम्हा था ये, कि एक इतना बड़ा स्टार और इतना बड़ा फ़नकार जो लोगों पे मतलब पैसे, एक टाइम था कि जब हम मतलब इस मुलाकात जो मैंने आपको इससे पहले बात बताई है कि उन्होंने हज़ारों रुपए निछावर कर दिए जूनियर्स के ऊपर, जूनियर्स पे, और
लोगों पे, और वो दरवेश आदमी थे, कर देते थे इस तरह से। और एक ये टाइम था कि जब वो अपने इलाज के लिए लोगों से इमदाद मांग रहे थे और इस तरह से, तो बहुत तकलीफ दे ये। जब मैंने उनकी सोशल मीडिया पे वीडियो देखी ना कि वो इमदाद के लिए लोगों से कह रहे थे, तो वो एक बहुत तकलीफ़ दे लम्हा था कि एक वो पाकिस्तान का नाम और बड़ा स्टार कि जो लोगों पे हज़ारों रुपये निछावर कर देता, और एक टाइम ये था कि वो पैसे मांग रहे थे अपनी बीमारी के लिए, और बहुत तकलीफ़ दे लम्हा था। जी नाज़रीन, बड़ा तकलीफ़ दे लम्हा होता है उन लोगों के लिए जिनके साथ आपने वक्त गुजारा हो। और जब इन्होंने असद अब्बास साहब का वो अरूज देखा कि जब इन जैसे जूनियर आर्टिस्ट के ऊपर वो लाखों रुपये कुर्बान कर देते थे, और जब इन्होंने देखा कि जनाब वो खुद 10-10 रुपये के लिए मुख्ताज हो गए अपनी ज़िंदगी का, तो इनसे रहा नहीं गया। शहरयार भाई, आपने अपने तौर पर क्या किया असद भाई के लिए? मैंने जब उनका वो देखा कि वो जैस कैश और इस तरह के मामला, उन्होंने नंबर दिया हुआ था कि कोई भी करना चाहे, तो यहाँ पे मैं काम करता था और अपनी दिहाड़ी में से कुछ पैसे जो है मैं वो ट्रांसफ़र कर दिया करता था उनके अकाउंट डेली बेस पे, डेली बेस पे रूटीन में। और यहाँ तक कि मैंने तो ये भी कहा था कि मैं अपना गुर्दा जो है वो दे देता हूँ। जी नाज़रीन, कहते हैं उस्ताद अगर मानो तो उसको उस्ताद समझो भी, और शहरयार भाई की मेरे ख्याल से ज़िंदगी में एक या दो दफ़ा मुलाकात शायद असद अब्बास साहब के साथ हुई हो, और उनके हुस्न अखलाक की वजह से जनाब आज इन्होंने ये तस्वीर भी पीछे लगाई। शहरयार भाई, अपने आपने सर पर काली पट्टी क्यों बांधी हुई है और आपने यहाँ पे असद भाई की तस्वीर क्यों लगाई हुई है पीछे? ये काली पट्टी जो है ये काला रंग शोक का रंग होता है, और मैंने ये ऐद किया था कि मैं 3 दिन तक जो है ये काला कपड़ा अपने जिस्म के साथ मतलब लगा के रखूँगा शोक के लिए। मैं वहाँ रह के उनके उस दर्द में शामिल तो नहीं हो सका, लेकिन यहाँ मैं मतलब अफसोस के लिए मैंने काला कपड़ा बांधा हुआ सर पे, काली पट्टी। अच्छा शहरयार भाई, तस्वीर आपने यहाँ पे क्यों लगाई हुई है? इनकी तस्वीर, ये मेरे उस्ताद हैं, और इनकी ज़िंदगी को देख के ही दिल में शौक पैदा होता है मुझे कि एक दिन मैं भी इन जैसा बनूंगा। और जिस तरह ये कामयाब हुए हैं, नीचे से ऊपर आए हैं, तो इन्हें देख के एक दिन मैं भी जो है, जब मतलब कि मैं डिसार्ट होता हूँ तो मैं ये तस्वीर देखता हूँ, तो एक हिम्मत पैदा होती है। जी नाज़रीन, आपने शहरयार भाई की गुफ्तगू सुनी। मोहब्बत हो तो ऐसी ही हो कि जनाब अपनी जो है हक हलाल की कमाई में से ये डेली असद साहब को पैसे भेजते थे उनके अकाउंट में, और यहाँ पे दुकान पे जहाँ पे वो जॉब करते हैं पिज़्ज़ा की शॉप पे, pizza.com पे, वहाँ पे इन्होंने तस्वीर लगाई हुई है, अपने मोबाइल पे उन्होंने उनकी DP लगाई हुई है। हम तो यहाँ पे अब यही कहेंगे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल जो है असद साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, और जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी समेटी थी, अल्लाह अज़्ज़ व जल शहरयार भाई को भी उतनी कामयाबी अता फरमाए, और अपना जो इनका गाने का जो इनके पास जो टैलेंट है वो इसको मज़ीद आगे लेके आए। अब इनसे वो गाना भी सुनते हैं, वो संगीत सुनते हैं जिसके लिए, जिसके सुन के असद अब्बास साहब अपनी सीट से खड़े हो गए थे और इनको गले लगा लिया था कि वाकई इनकी संगीत में वो ताकत है या बस महज ये बात कह रहे हैं। आइए वो भी सुनते हैं। जी शहरयार भाई, वो गाना सुनाएं आप जो आपने सुनाया था और असद अब्बास साहब सीट से खड़े होके उन्होंने आपको अपने सीने से लगा लिया था। मैं उनकी तरह कभी मतलब उस तरह से नहीं गा सकता। वो उस्ताद थे, वो उनका बड़ापन था कि उन्होंने तारीफ़ की और आ गए मेरे पास। मैं कोशिश करता हूँ। मैं साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जाना, बस हमारी नगरी सुंदर मुख दिखला है, कदिया मिल सांवल यार वे, है कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू छ
चीख पुकार दे मेरे लूलू, चीख पुकार दे है कदिया मेरी जिंदड़ी होई उदास, वे मेरा सांवल आस न पास, वे मेरी जिंदड़ी होई उदास, वे मेरा सांवल आस न पास, वे उजे मिलना चार कहार, वे है कदिया मिल सांवल यार वे। मैं कलाम सुना रहा हूँ। मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रेंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रेंदे, मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रेंदे। वाह क्या बात है जी। शहरयार भाई, आपका अपना कोई टिकटॉक या यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ आपने, ताकि हमारे नाज़रीन को बताएं हम, ताकि आपको वो फॉलो करें और आपकी आवाज़ को वो सुने वो भी? अच्छा, मेरा सारे अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, यूट्यूब पे भी है शहरयार शहरी के नाम से, इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, टिकटॉक भी है, ट्विटर भी है। जी ना भाई, जब से ये यहाँ हमारे पास आए हैं pizza.com पे जी जी, तो ये असद अब्बास भाई के जो गाने जो हैं वो गुन गाता रहता था, तो हम लोग अपने कामों में मगन रहते थे, इसलिए हम लोग थोड़ा उसके ऊपर वो नहीं करते थे। तो जब ये ज़्यादा गाना शुरू कर दिया तो हमने उसको बोला कि यार आप खुल के हमारे सामने गा लें, खुल के गाओ हमारे सामने, खुल के गाओ। जब उसने खुल के गाया तो हम लोगों को भी थोड़ा वो हो गया। कितना तो बड़ा आवाज़ इसकी आवाज़ भी बड़ी अच्छी थी, तो हम उसके फ़ैन हो गए भाई।